कहते हैं कि रिश्तेदार इसलिए होते हैं कि जब जरूरत पड़े तो रिश्तेदार एकत्रित हो जाएं और विपदा की घड़ी में सबका साथ दें। लेकिन रानी पोखरी क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने और देखने के बाद रिश्तेदारों से जैसे मोह भंग सा हो गया है। दरअसल रानी पोखरी में रहने वाले एक सेना के रिटायर्ड फौजी की मां का अचानक निधन हो गया। सूचना के बावजूद भी कोविड-19 के कहर की वजह से रिश्तेदार दाह संस्कार तो दूर घर पर शव के अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं पहुँचे। ऐसे में शव को उठाने के लिए चार कंधों की जरूरत को भला इकलौता बेटा कैसे पूरा करता। मजबूरी में बेटे ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई। फिर क्या था, पुलिस से अपना फर्ज निभाते हुए तत्काल गांव के जनप्रतिनिधियों को एकत्रित किया और मृतक के घर पहुंच गई। आज शाम को लगभग 4 बजे 112 हेल्पलाइन के माध्यम से रानी पोखरी निवासी उमेद सिंह नेगी जी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी माताजी का देहांत हो गया है, लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं आ रहा है। कोविड संक्रमण के डर से कोई भी रिश्तेदार आने को तैयार नहीं है और वो अकेले हैं। सूचना प्राप्त होते ही हम लोग मौके पे पहुँचे और जो ग्राम प्रधान हैं वहाँ के श्री सुधीर रतूड़ी जी वो भी मौके पे आ गए थे और वार्ड मेंबर जीवन चौहान, श्री संदीप जायसवाल जी, सोनू कुमार, इन सभी लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने जो कॉलर हैं उनकी माता जी के शव को पूर्णानंद घाट ऋषिकेश ले गए। वहाँ उनका पूर्ण धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि संकट का समय है, इस टाइम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ मिलके हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जन प्रतिनिधियों और पुलिस ने मिलकर शव को कंधा दिया और मुनि की रीति स्थित पूर्णानंद घाट पर पहुंचाया। दाह संस्कार के बाद मदद करने पर मृतक के बेटे ने पुलिस और जन प्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ऋषिकेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट।